हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि कुवैत में प्रोडक्ट कितना महंगा है, कितना सस्ता है अपने इंडियन उसके अकॉर्डिंग। आज हम रिव्यू करेंगे। देखिए, मॉल में आए हैं, ये ग्रैंड हाइपर मॉल है कुवैत का, बहुत ही फेमस। यहाँ पे पूरा हम आज दिखाएंगे कितना कितना प्रोडक्ट क्या क्या रेंज में है, वो सब आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊँगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और किचन के ज़्यादा इक्विपमेंट्स है, जैसे कि अगर आप मसाला रखने के लिए लेते हैं तो इसका प्राइस लिखा तो नहीं है दोस्तों। तो देखिए, ये बॉटल, मैं नॉर्मली एक बॉटल दिखा देता हूँ, रुक जाओ, प्राइस दिखाएंगे। ये आपका 160 रुपए के आसपास का है एक बॉटल, सिंपल सा। हमारे वहाँ तो 30-40 का मिल जाएगा भाई। प्राइस को तो ये बॉटल देखिए, आप डिज़ाइन देखिए इस बॉटल का, इस टाइप का डिज़ाइन। और ये आपका लगभग 500 और 150, ये 650 से 700 के बीच का है बॉटल, इतना सा बॉटल है। प्लास्टिक है और कुछ और दिखाऊं। रूम पे जैसे कि आप आएंगे तो आपको क्या क्या ज़रूरी रहेगा, मान लीजिए तवा तो आप लेंगे ही जो रोटी या कुछ बनाने के लिए, तो ये आपका काफ़ी महंगा है। सबसे सस्ता वाला मैं देखता हूँ, सबसे सस्ता ये तो पूरा सेट है, मोस्टली ये सेट का ही है। और सबसे सस्ता, रुक जाइए मैं ढूंढ रहा हूँ, ये 1.6 उसका मिल गया हमें, 1.65, यानी कि ये वाला है एल्युमिनियम वाला है, आपका 400 रुपये का ये हो गया। बाकी ये बेलन वगैरह, हम यहीं से बेलन लिए थे दोस्तों, ये वाला बेलन हम इससे थोड़ा मोटा वाला ही लिए थे, तो वो हमें 150 का पड़ा था अपने इंडियन करेंसी का। बाकी अगर आप ये देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए, ऐसे देखने का जो खुशी मिलती है ना, मेड इन इंडिया, क्योंकि लकड़ी का काम दोस्तों अपने ही वहाँ होता है। यहाँ पे लकड़ी आपको पता ही है कि उतना है नहीं, तो ये भी आपका 250 रुपये का ही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको 250 का वो हो गया, ये भी आपका 300-350 में आपको ये मिल जाएगा कोई भी पेन। और बाकी ये देखिए, ये पेन अलग अलग रखा है, तो ये तो महंगा है, 600 के रेंज में है, लेकिन एक ही एक साथ दो दो आपको है, और ये आपका एक साथ तीन तीन है, सेट है पूरा। बाकी थाली की मैं बात करूं तो ये जो थाली है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका मान के चलिए 160 रुपये का ही है, ये नीचे वाला जो इसका है, थोड़ा नीचे वाला मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए नीचे वाला, ये आपका पड़ेगा लगभग 180-190 रुपये का एक थाली, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़रा सा है, 180-190 का पड़ रहा है। बाकी ग्लास देखते हैं तो ग्लास एक हमारा पड़ रहा है, ग्लास हमारा ये भी मेड इन इंडिया है, और ये 0.3 केडी का पड़ रहा है हमें, तो ये अप्रॉक्स हमारा ये। बाकी देखिए, आपको और दिखाऊं, बाकी ये देख लीजिए टोकरी वगैरह, ये देखिए सब 1 रुपये से नीचे का ही है सब सामान। बाकी खाना बनाने के लिए आप बर्तन भी लेंगे तो मैं आपको सस्ता रेंज दिखाऊँ, तो 1.7 का यही है दोस्तों, ये क्या, ये है 1.7, यानी कि आपका 400-430 रुपये का पड़ेगा आपका। बाकी चॉपिंग बोर्ड भी आप लेंगे, चॉपिंग बोर्ड सबसे सस्ता मैं दिखाऊँ तो आपको सबसे सस्ता यही है आपका दोस्तों, ये भी 180 मान लीजिए आप, सस्ता ये है, वो छोटा है ना, वो थोड़ा बढ़िया भी है और उस हिसाब से सस्ता ही है। बाकी आप कुछ एक पूरा सेट ले सकते हैं, वैसे सस्ता ही पड़ेगा ये आपका एक साथ, देखिए जो वुडन इक्विपमेंट्स है, जो फिर लैडल वगैरह इसमें सब कुछ है, स्पैचुला, वुडन स्पैचुला, लैडल, काफ़ी चीज़ इसमें है, तो ये आपका सस्ता ही है। और ये आपका रेट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका 220 रुपये 30 रुपये मान लीजिए आप,
बाकी पूरा ये सेट है चम्मच उम्मच का, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपका, इसमें बनाते हैं बंगाली लोग तो इसमें कुछ बनाते हैं पीठा टाइप से बोलते हैं, बाकी और किस यूज़ में आता है ये तो पता नहीं। और बाकी इसमें इडली वगैरह बना सकते हैं, उसके अलावा तो नॉलेज में नहीं क्या बनता है। दोस्तों नाइफ़ देख लीजिए, नाइफ़ आपका ये आपका 180 से 200 रुपए मान लीजिए, इतने सारे नाइफ़ है, ये देखिए इतना सारा नाइफ़ है, इतना तो आपको चाहिए नहीं होगा। तो आप सिंगल पीस भी आप देख सकते हैं, मैं आपको सिंगल पीस दिखा दूँ, ये आपका 300 रुपए मान लीजिए एक नाइफ़, उससे सस्ता मैं देखूँ तो आपको ये तो और महंगा है, 400 का है, ये तो और महंगा है, 600 का नाइफ़ है, बताइए 600 रुपए का नाइफ़ है दोस्तों। इंडिया में पता नहीं 600 में, ये चाय के लिए छन्नी एक छोटा सा आपको चाहिए होगा अगर आप चाय के शौकीन हैं तो, ये आपका 150 का है देख लीजिए। हमारे वहाँ पे ये मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे वहाँ 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे 150 का है भाई। और आपको दिखाऊँ तो दोस्तों मैं आपको बाल्टी का दिखाऊं, डस्टबिन की बात करें तो ये डस्टबिन नॉर्मल साइज़ का ही है, ये आपका 500 का लगभग। और बाल्टी के लिए बात करूं, यूज़ के लिए आपको चाहिए होगा ये सब, तो आप डस्टबिन या बाल्टी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अगर ढक्कन हटा देंगे तो ये बाल्टी हो गया। ये आपका 250 रुपये का पूरा, सबसे सस्ता तो यही है अभी, और ये आपका थोड़ा उससे बड़ा है, ये 300 से 320-330 रुपये का पड़ जाएगा। बाकी साबुन का ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा महंगा है, मैं आपको सस्ता दिखाऊं, ये आपका पड़ेगा 30-40 रुपए का, ये सबसे सस्ते यही है 30-40 रुपए का। बाकी जग वगैरह देख लीजिए आप, ये 200 यानी कि आपका इस 50 रुपए का पड़ेगा लगभग, लगभग नहीं पूरा 50 से 55 रुपए का है, ये थोड़ा महंगा है 100 रुपए का, ये 95 से 100 रुपए का पड़ेगा। यहाँ का रेट देख लीजिए, ये सस्ता, ये सस्ता है थोड़ा भाई, उतना ही पड़ रहा है ये 300 यानी कि 75 से 78 रुपए। और बाकी ये ब्रश वगैरह है थोड़ा महंगा, ये भी आपका 60 रुपए मान लीजिए, 60-64 रुपए, जो कि हमारे वहाँ पे ये 15 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, अलग अलग जगह के हिसाब से मिल ही जाता है इंडिया में, मैक्सिमम 20 रुपए में, बट यहाँ पे इतने का मिल रहा है। और आपको दिखाऊं तो ये वाइपर वगैरह हो गया रूम क्लीन करने के लिए, दोस्तों हैंगर अगर आप लेते हैं, क्योंकि रूम पे आप आएंगे तो हैंगर की ज़रूरत होगी, तो हैंगर ये लिखा हुआ है, ये यानी कि आपका 990, 10 एक केडी से 10 फिल्स कम है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये आपका लगभग लगभग 230 रुपए का तो पड़ ही रहा है, 30 से 40 रुपए का। बाकी ये देखिए बाकी टिफ़िन का तो मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत होगा यहाँ पे, क्योंकि सब लोग यहाँ तो रूम पे बनाएंगे, क्योंकि टिफ़िन का उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबसे सस्ता दिखा दूँ तो 1.2 सबसे छोटा, लेकिन है दोस्तों नीचे वाला कांच का और 1.2 का है, तो आपका 300 रुपये मान लीजिए, अच्छा है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से तो रेट होगा ही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा महंगा है अपने इंडिया के हिसाब से। कप की बात करूं तो कप आपका 6.9 है, यानी कि 70 मान लीजिए, 70 हमारा बैठेगा 50 से 60 के अराउंड में, यानी कि 50 से 60 रुपए। और
आपका सबसे सस्ता जो है, सस्ता ये थोड़ा है, ये आपका 40 रुपये के आसपास है ये वाला। दोस्तों चम्मच का सेट देख लीजिए आप, चम्मच का एक पूरा सेट अगर आप लेंगे तो ये देखिए, ये 300 रुपये से 320 रुपये तक पड़ेगा। चम्मच क्वालिटी अच्छा है, बट ये ओनली 3 चम्मच है, यानी कि 100 रुपये का दोस्तों एक चम्मच, उस हिसाब से तो काफ़ी महंगा है। और फोक की बात करूँ तो ये आपका पड़ रहा है, ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा है आपको, 180 रुपये मान लीजिए, 180 में फोक तो काफ़ी सारा है, फोक दोस्तों काफ़ी सारा है। और बाकी लैडल की बात करूँ तो एक लैडल इस रेंज का अच्छा है, मेड इन इंडिया। फिर से देखिए आप, मोस्टली सामान इधर दोस्तों मेड इन इंडिया का ही दिख रहा है, कैमरे की क्वालिटी नहीं आ पा रही दोस्तों। प्लेट्स वगैरह ये सबसे सस्ता प्लेट दोस्तों इसी रेंज का ये है, ये है सबसे सस्ता, सबसे सस्ता उसमें भी ये है, ये 230 रुपये का है, प्लास्टिक की जो होती है दोस्तों। हमारे तरफ ये आपको मैक्सिमम 30 से 40 रुपये में एक प्लेट मिल जाएगी, यहाँ 230 की, मतलब 200 रुपये ज़्यादा है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। All right.